नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु गुरु में। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि हम अपने घर, फैक्ट्री, मॉल या किसी भी बिजनेस यूनिट में जब जल का सोर्स लेते हैं, वाटर सोर्स के लिए बोरिंग करवाते हैं, तो उसके लिए हमें शुभ महीना, शुभ दिन, शुभ लग्न आदि का विचार कर लेना चाहिए। यदि हमारे शास्त्र के अनुसार उचित तिथि पर आप बोरिंग करवाएंगे तो यह आपको शुभ फल देने वाला होगा। हमें बोरिंग करवाने से पहले शुभ मुहूर्त को जान लेना बहुत जरूरी है। आचार्य वाराह मिहिर ने इसके बारे में विस्तार से बताया है। यदि शुभ मुहूर्त में बोरिंग होगी तो जल अच्छा निकलेगा, पौष्टिक होगा, साथ ही इसकी दिशा के बारे में भी मैं बता रहा हूँ, इसे भी ध्यान से सुनिए। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। नोटिफिकेशन बेल ऑल ऑप्शन में जाकर के जरूर दबाइए, जिससे आने वाले एपिसोड की जानकारी आपको मिलती रहे, एवं कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, जिससे आपकी शंका का समाधान भी किया जा सके। तो आइए, बोरिंग के लिए हम सबसे पहले शुभ महीनों की चर्चा करते हैं कि किस महीने में बोरिंग करवाना शुभ होता है। वाटर बोरिंग के लिए माघ, फागुन, मार्गशीर्ष यानी कि अगहन, ज्येष्ठ मास, कार्तिक मास तथा वैशाख मास को शास्त्रों के अनुसार उत्तम और श्रेष्ठ माना गया है। इन महीनों में बोरिंग का काम आरंभ करने से भूस्वामी को अत्यंत शुभदायक फल मिलता है। तो इन महीनों को ध्यान में रखिए। और साथ ही अब मैं नक्षत्रों को बताना चाहता हूँ। बोरिंग का काम आरंभ करने के लिए शुभ नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, धनिष्ठा, उत्तरा फागुनी, उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी, रेवती, मघा एवं मृगशिरा। इन नक्षत्रों को ध्यान में रख करके बोरिंग का काम शुरू करवाना चाहिए। अब मैं शुभ वार की चर्चा करता हूँ, यानी कि दिनों की चर्चा करता हूँ। इसके लिए शुभ दिन होता है सोमवार, बुधवार एवं गुरुवार। इसके अतिरिक्त किसी अन्य दिन बोरिंग का काम शुरू नहीं करवाना चाहिए, यह भू स्वामी के लिए अशुभ माना गया है। इसके बाद मैं बताता हूँ आपको ऐसे लग्नों के बारे में जिस लग्न में बोरिंग करवाने से यह शुभ फल आपको देगा। बोरिंग करवाने के लिए सभी लग्न शुभ कहे गए हैं, फिर भी जल संज्ञक लग्न उत्तम है। यदि उस लग्न में चंद्रमा बैठा हो तो इसका फल अधिक शुभ होता है, लेकिन यदि सिंह, वृश्चिक तथा धनु लग्न हो तो बोरिंग का काम आरंभ करवाना शुभ नहीं होता है। इस लग्न को अपने आचार्य से निकलवा लीजिए और तभी बोरिंग का काम करवाइए। प्राचीन काल में घर के अंदर बोरिंग नहीं होती थी, पानी की जरूरतों को हम नदी, तालाब, नहर या कुएं से पूरा करते थे। जैसे जैसे हमने विकास किया, कुएं घर में बनने लगे और आज का जो बोरिंग है या ट्यूबवेल है, वे कुएं का ही आधुनिकतम रूप है या मॉडर्न फॉर्म आप कह सकते हैं, जिसमें हम समर्सिबल वगैरह लगा करके पानी के सोर्स को और पानी जो हमारे जीवन का स्रोत है वो वास्तु शास्त्र के अनुसार सही स्थान से हमें लेना चाहिए। इसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ, इसे सुनिए कि हमारी दिशा क्या होगी और उसका प्रभाव क्या होगा। बोरिंग के लिए सबसे अच्छी दिशा होती है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ईशान का क्षेत्र। ईशान के क्षेत्र में यदि हम बोरिंग करवाते हैं तो यह जल तत्व के लिए बहुत अच्छी जगह होती है और सबसे टॉप पर मैं इसको रखता हूँ। यदि इस दिशा में आप बोरिंग करवाते हैं तो हर तरह से खुशहाली आएगी, परिवार फलेगा फूलेगा और व्यापार में तरक्की होगी तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं आएंगी। बोरिंग के लिए दूसरी दिशा है उत्तर दिशा। हम नॉर्थ ईस्ट में यदि बोरिंग नहीं करवा पाते हैं तो हम उत्तर दिशा का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप अगर नॉर्थ का यूज करते हैं तो सुख और समृद्धि आपके पास दौड़ करके आएगी। उस कैंपस में रहने वाला व्यक्ति सुखी और खुशहाल होकर के
हर तरह से तरक्की करेगा। बोरिंग के लिए तीसरी उचित दिशा है पूर्व यानी कि ईस्ट। यदि हम ईस्ट में बोरिंग कराते हैं तो इस दिशा में बोरिंग शुभ फल देने वाला और लाभकारी होगा। इस प्रकार से बोरिंग के लिए सिर्फ यही तीन दिशाएं ही सर्वोत्तम दिशाएं हैं। इन दिशाओं को छोड़ करके किसी अन्य दिशा में बोरिंग कतई नहीं कराना चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हानि छोड़ करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। कुछ विद्वान कहते हैं कि पश्चिम या आग्नेय कोण में हम बोरिंग करा सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से आग्नेय दिशा और वेस्ट में भी बोरिंग को नहीं करवाना चाहिए। तो मित्रों, आज के एपिसोड में मैंने बताया कि वाटर सोर्स के लिए जब भी हम बोरिंग करवाते हैं तो इसका शुभ मुहूर्त कैसे निकाला जाएगा। यदि हम शुभ मुहूर्त में बोरिंग करवाते हैं तो जल अच्छा मिलेगा, स्वास्थ्य वर्धक होगा और वास्तु सम्मत और शास्त्र सम्मत होने के वजह से यह आपको शुभ फल देगा। हमने आपको बताया कि वाटर सोर्स के लिए बोरिंग की सही दिशा क्या होगी, सही स्थान क्या होगा। आप अपने भवन में, अपार्टमेंट में, होटल में बोरिंग करवाते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके ऊपर सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और आपका परिवार खुशहाल होगा। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में तरक्की होगी, किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। वास्तु शास्त्र से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। अपने मित्रों और रिश्तेदारों को बताइए, अपने बिजनेस पार्टनर को बताइए, जिससे हमारी इस प्राचीन विधा का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में नई जानकारी के साथ। देखते रहिए आपका अपना चैनल वास्तु गुरु। नमस्कार।